तो ये है टच वाला यूएसबी लाइटर और इसमें कोई भी गैस नहीं पड़ती, ये बिल्कुल फ्लेमलेस लाइटर है। इस वीडियो में हम इसको चेक करेंगे, साथ ही में खोल के भी देख लेंगे टियर डाउन करके ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है, अंदर से कैसा है। साथ ही में मेरे पास पहले भी इस तरह का एक लाइटर था, वो टच वाला नहीं था लेकिन काफी सिमिलर, कौन सा लेना चाहिए जानते हैं वीडियो में। बीआरडी क्विंस आपका स्वागत है। 10 दिन पहले मंगवाया था अमेजोन से मैंने, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लेकिन पहले वीडियो आप देख लो। तो 10 दिन पहले सिर्फ चेक करके मैंने इस पर टेप लगा के इसे रख दिया था। बॉक्स को खोलते हैं, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे मिला है। बहुत सारे सेलर्स जो हैं इसको सेल करते हैं तो आपको अलग अलग पैकेजिंग में मिल सकता है लेकिन अमेजोन पे मिलेगा, आगे बात करेंगे। ये अंदर आपको मेन चीज़ मिलने वाली है, लाइटर जो है ना ये पूरा मेटल का बना हुआ है तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ा सा हैवी साइड पे भी लगता है कंपेयर टू प्लास्टिक वाला लाइटर जो मेरे पास पहले था, दिखाऊंगा उसके बारे में बताऊंगा। साथ में एक केबल मिलती है इसको चार्ज करने के लिए, तो अभी ना इसका अच्छे तरीके से पूरा टेस्ट करने वाले हैं और वीडियो के अलावा जितना मैंने इसे यूज़ किया वो एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। एक हल्का सा निशान यहाँ पे देखने को मिल रहा है, शायद कुछ जैसे स्टिक रह जाता है ना, कुछ टेप वेप का निशान रह जाता है चिपका हुआ, तो ऐसा कुछ है। ऐसे कुछ स्क्रैच नहीं है, मुझे लगा था पहले शायद कोई स्क्रैच है, तो स्क्रैच नहीं है, इसको मैं बाद में साफ कर लूँगा। तो ये ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी काफ़ी सही लगी। साइड में माइक्रो यूएसबी वाला पोर्ट है जिसकी मदद से आप इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हो, गैस तो इसमें पड़ेगी नहीं ना, पूरा इलेक्ट्रिक है। आप इसे चेक करते हैं काम कैसे करता है ये। अच्छा, टच पे काम करता है और टच का मतलब है कि सिर्फ टच ही करना है, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना। यहाँ पे जो ये इसके लिड है ना ये भी काफ़ी ईजीली ओपन हो जाती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा आपको आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर टच करके देखते हैं, टच करके आपको बस या तो लगा के रखो हाथ या छोड़ दो, तो टच मैंने फिलहाल में करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे देखो ये लाइट अप हो जाता है और एक्चुअल में यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को यहाँ से जला सकते हैं, वो टेस्ट भी कर लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना ये सही से काम करता है। और दूसरी बात यह है कि ना ये ज़्यादा देर यूज़ करोगे ना तो फिर ये गर्म हो जाता है और आपकी जो फिंगर है ना बैक साइड में आपने ध्यान रखना है, बैक साइड पर फिंगर टच मत करना, नहीं तो फिर फिंगर पर ना निशान पड़ जाएगा, जल जाएगी फिंगर फिर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी आराम से इसको यूज़ करना है। तो जब आप इसे ओपन करते हो फिंगर पीछे टच नहीं होनी चाहिए। फिलहाल में क्या है, यहाँ पे एक अगरबत्ती को लाइट अप करके देख लेते हैं कि कितनी जल्दी ये लाइट अप होती है। पुराने लाइटर से भी मैं यही कर रहा था, अब देखते हैं यहाँ पे कितनी देर में लाइट अप करता है अगरबत्ती को। तो टच किया यहाँ पे, ये लाइटर ऑन हो गया और यहाँ पे मैंने अगरबत्ती को लगा दिया और फटाफट से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट यहाँ पे मिल रही है, और ये काम हो चुका है हमारा। अगरबत्ती ठीक से नहीं जली है तो एक बार और इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा गर्म, अच्छा ज़्यादा गर्म होने के बाद ना फिर ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ भी हो जाता है, तो कंटिन्यूसली जलता नहीं रहता ये थोड़ी देर के बाद कट ऑफ भी हो जाता है। अगरबत्ती यहाँ पे जल चुकी है, तो लाइटर ने अपना काम तो सही तरीके से कर दिया है, लाइटर सही तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अब मेरे पास में एक और लाइटर है जो पहले मैंने लिया था और यहाँ पे देखो जब कुछ करते हैं ना, चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसके बारे में अच्छी नॉलेज हो जाती है। ये बस इस तरह से स्लाइड करके ओपन करना होता है और यहाँ पे ये लाइट अप हो जाता है। बैटरी दे रखी है बेसिकली, इसमें बैटरी को चार्ज कर लो और कॉइल जो है आगे वो जल जाती है। फ्लेमलेस इसलिए कहा जाता है कि हवा से ये नहीं बुझता, क्योंकि यहाँ पे कॉइल जल रही है जैसे हीटर की कॉइल होती है ना, बस उसी तरीके से हवा से नहीं बुझती। दूसरी बात, ये जो कॉइल है ना यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कॉइल बार बार जैसे मैंने अगरबत्ती जलाई तो वो दबती रहती है ना, तो उसकी वजह से ये कॉइल टूट जाती है, तो इसे केयरफुली तो यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, नॉर्मल लाइटर्स में नीचे इस तरह से स्क्रू दिया होता है उसकी फ्लेम को एडजस्ट करने के लिए, अब इसमें ऐसा नहीं है। इस स्क्रू को ओपन करके इसका थोड़ा सा टेयर डाउन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका स्क्रू जो है इसको ओपन कर लिया है। अब मैं, क्योंकि ये गर्म ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ऊपर खींच के यहाँ पे निकाल देता हूँ। अब यहाँ से एक प्लास्टिक का टुकड़ा गिरा है जो आगे की तरफ लगा हुआ था, और पीछे से भी कुछ गिरा है तो वो पीछे की तरफ लगता है, वो आगे हम देख लेंगे। तो बेसिकली इसमें भी वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको प्लास्टिक वाला वाइट वाला दिखाया ना, इसमें भी वैसे ही है। बैटरी पर काम करता है, बैटरी चार्ज रहेगी, आगे कॉइल जल जाएगी। अब टच वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर एक्चुअली में एक पत्ती दे रखी है, ये पत्ती जब प्रेस होती है ना तो तब ये कॉइल जो है लाइट अप हो जाती है, लेकिन रियल टाइम में यहाँ पे तो देखो प्रेस हो रही है ये पत्ती, क्योंकि जो प्लास्टिक का टुकड़ा गिरा है वो इसके ऊपर टच हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको अभी, तो प्लास्टिक का टुकड़ा इस पर जब टच हो जाता है उसके बाद में यहाँ पे हमें सिर्फ हल्का सा टच करना होता है और ये लाइटर जो है जल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फिंगर ही लगानी है, किसी भी चीज़ से जल जाएगा। बैटरी कौन सी है, इसके ऊपर कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है। अब ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है ना, बेसिकली इस पत्ती को जो है थोड़ा सा दबा के रखता है, या ध्यान से सुनना, थोड़ा सा दबा के रखता है, पूरा नहीं दबाता। और जैसे ही हम इसमें अपनी फिंगर लगाते हैं तो वो हल्का सा और प्रेस हो जाता है और लाइटर जो है आगे की तरफ से जल जाता है और मस्त काम करने लग जाता है। तो ओवरऑल मुझे प्रोडक्ट सही लगा, 250 रुपये में मिल जाता है, काम सही तरीके से करता है। अब इसे वापस बंद कर देते हैं।
तो ये पीछे से भी एक प्लास्टिक का टुकड़ा इसमें गिरा था, तो इसको जो है बैक साइड में लगा देता हूँ इस प्लास्टिक के टुकड़े को, ताकि ये पीछे से स्टेबल रहे और बैटरी भी इसकी इधर उधर नहीं होगी। बाकी आगे जो लाइट दे रखी है उसके ऊपर ये वाला प्लास्टिक का टुकड़ा जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे लगा के ये लाइटर हमारा वापस असेंबल हो चुका है। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, बैटरी के थ्रू कॉइल जल जाती है, फ्लेमलेस है, काम अच्छे से करता है। और यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेम जल के बंद हो गई, यानी इसकी बैटरी जो है अब वो डाउन हो गई। अब ये भी इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए, इसकी बैटरी कितनी चलती है। 10 दिन पहले जब ये मेरे पास आया था ना, तो मैंने इसको सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगाया था अपनी पावर बैंक से, और उसके बाद में मैंने इसे रख दिया। तो पड़े पड़े भी बैटरी इसकी थोड़ी बहुत ड्रेन हो गई, बट वीडियो के टाइम पे भी मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया है। तो ये समझ लीजिए कि 20 से 25 बार ये इस तरह से खोलने के बाद काम कर गया, और यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 मिनट बैटरी चार्ज की तो थोड़ी देर के बाद ये फिर से लाइट अप हो गया। तो यानी अब इसको 1-1.5 घंटा चार्ज करोगे तो आपका डेली अगर ज़्यादा यूज़ नहीं है लाइटर का, अगर बत्ती ही जलानी है तो फिर एक हफ्ता तो निकल ही जाएगा आराम से। ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है, मेटल बिल्ड के साथ में आता है। बाकी जितनी चीज़ों के बारे में मैंने आपको वीडियो बताया वो चीज़ों का ध्यान रखना, हीट अप हो जाता है थोड़ा सा, सावधानी से यूज़ करना। जैसे मैंने इसे ओपन किया है तो पीछे से जो पीछे वाली फिंगर है ना, वो फिंगर फिर पीछे कॉइल पर टच नहीं होनी चाहिए आपकी। ऑब्वियस सी बात है यार, आग है, आग के साथ खेलना नहीं चाहिए। बाकी नॉर्मल यूज़ के लिए सही है, USB से चार्ज हो जाएगा, माइक्रो USB वाली केबल से कोई भी ले सकते हो आप, ये वाला या फिर मैंने अभी जो पुराना वाला दिखाया वो वाला भी ले सकते हो, आराम से यूज़ करो, सही चल जाता है। पिछली बार जो मैंने दिखाया था ना, वो जो ये वाइट वाला है, ये भी मेरा अच्छा खासा जो है 1.5 साल चल गया है। तो खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कुछ यूनिक गैजेट्स दिखाता हूँ अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।